हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है निकिताज किचन फूड। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि केक टिन को किस तरह से ग्रीस करना है। तो दो अलग अलग तरीक़ों से मैं आपको बताऊँगी। तो जब भी हम बेकिंग करते हैं तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो केक टिन ले लिए हैं और इसे मैं किस तरह से ग्रीस करना है ये बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बटर पेपर से किस तरह से ग्रीस करना है ये बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने बटर पेपर ले लिया है और यहाँ पे मैं जो टिन है उसे निशान लगा रही हूँ बटर पेपर पे। तो यही परफेक्ट तरीका है, जब भी हम बटर पेपर कट करेंगे तो इसी तरह करना होगा। इस तरह से जो केक टिन का हमारा साइज है उसी तरह से परफेक्ट बटर पेपर कट जाता है। अब यहाँ मैंने ऑयल ले लिया है और उसे मैं केक टिन पे अप्लाई कर रही हूँ। तो चारों तरफ से हमें ऑयल से ग्रीस कर लेना होगा केक टिन को इस तरह से। और जो कट किया हुआ बटर पेपर है उसे भी केक टिन में रख देना होगा और ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेना होगा। तो ये हमारा बटर पेपर से केक टिन ग्रीस हो गया है। और अब जो दूसरा तरीका है वो भी देख लेते हैं। तो ये जो केक टिन है इसे भी हमें ऑयल से ग्रीस कर लेना है। तो यहाँ भी चारों तरफ से हमें ऑयल लगा लेना है। और यहाँ मैदे से हमें केक टिन को कोट कर लेना होगा। अब यहाँ पे मैदे की जगह पे कोको पाउडर या फिर अगर आप प्रीमिक्स से केक बना रहे हैं तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से चारों ओर हमें मैदे को फैला लेना है तो केक टिन अच्छे से कोट हो जाएगा। इस तरह से। तो ये अच्छे से कोट हो गया है। अब जो एक्सेस मैदा है उसे हम टैप करके निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारे दोनों केक टिन तैयार हो गए हैं ग्रीस करके। अब इस केक टिन में आप केक बना सकते हैं। तो जब भी आप केक बनाएंगे तो आपका केक टूटेगा नहीं, अच्छे से निकल आएगा। तो बेकिंग में ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।